आइए देखते हैं बजाएगा। राजेश गुप्ता, ऑपोजिशन यूनिटी दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत देर हो गई है चीजों को। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो इस समय पब्लिक आई में दिख रही है वो भारी है विपक्ष की तैयारी के ऊपर, अगर आप पॉलिटिकली देखें तो? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। अमीश भाई देखिए, जो पार्टी सत्ता के अंदर होती है और वो अगर निर्दयी हो इतनी खासकर के भाजपा की तरह, निर्दयी तो तुमको क्यों तकलीफ है? वो तैयारी तो करेंगे सत्ता में है क्योंकि बिल्कुल निर्दयी है, क्योंकि निर्दयी इसलिए है क्योंकि सच्चे ईमानदार साफ सुथरे लोगों को भी वो छोड़ना नहीं चाहते और बस किसी भी तरीके से सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को राजी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि सत्ता के अंदर है उनको मालूम है कि एंटी इनकंबेंसी उनकी तरफ है, तो वो आपको ज्यादा तैयारियों के साथ दिखेंगे। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि 39 पार्टियों का गठबंधन और साथ में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और बहुत सारा पैसा जो इलेक्ट्रल बॉक्स बॉन्ड के जरिए उन्होंने लिया। और फिर आप देखो, मैं तो आपको हमेशा बड़ा प्यार करता हूं, लेकिन आप न्यूज़ पे भी देखेंगे तो उनके ही पक्ष की ज्यादा खबरें चलती हैं, उन्हीं के प्रवक्ता को टाइम भी ज्यादा मिलता है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। मुझे भी बोलने दीजिए, मेरा तो ये कहना, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि जो भी डिबेट होगी, देखिए जरूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी उस डिबेट के अंदर हो, कांग्रेस वाले आए नहीं, आपने देखा वसीम वकार साहब तो बहुत ही कम किसी में आते होंगे, लेकिन भाजपा का प्रवक्ता तो हर डिबेट में है ना, क्योंकि वो सत्ता में है ना। चलिए बड़ी खबर आ गई है, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर नारा दे दिया है और वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, खुद जनता कह रही है, तो ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है राजेश गुप्ता कि अब की बार 400 पार वाला बीजेपी? देखिए इस कॉन्फिडेंस के बारे में जनता में अगर बात करेंगे तो वो कहेंगे कि कॉन्फिडेंस ईवीएम से आ रहा है। आप बात करके देखिए, मैं तो चाहता हूँ एक दिन मैं और आप चलते हैं, एक दिन मैं और आप चलते हैं सुबह सुबह पार्कों में, आपको पता लगेगा। लेकिन चलिए 400 कहिए, मैं तो कहता हूँ 1000 कह देना चाहिए, कहने पे कोई टैक्स अभी तक मोदी जी ने लगाया नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन किसी भी हाल में देखिए, आप एक बहुत जाने माने पत्रकार है, न्यूज एंकर है, आप देखिए अगर आप स्टेट बाय स्टेट देखेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बात तो सही है, मजा आया बीजेपी इतनी ऊपर जा सके, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन कहने में क्या है भाई, उनको अपने कार्डर को दिखाना है, समझाना है कि 400 कहीं जाके 200 की लड़ाई आप कश्मीर से कन्याकुमारी का बीजेपी को आप कम होता हुआ देख रहे हैं, आपको बीजेपी का नंबर क्या लगता है इस बारी के लोकसभा चुनाव में आपके अकॉर्डिंग? राजेश गुप्ता रुको जरा, सबर करो। मैं नंबर के बारे में तो आप ज्यादा अच्छा बता पाओगे, फिर भी आपका आकलन क्या है बीजेपी को? आपकी बात पॉलिटिकल लाइन है, आपका आकलन क्या है? बीजेपी 400 कह रही है, 370 अपनी कह रही है, आपको क्या लगता है बीजेपी 200 आएगी, 250 आएगी, कितनी आएगी? मेरा आकलन ये है अमीश भाई कि जिस तरीके से गदर मच रहा है, रोज कहीं ना कहीं किसी स्टेट की सरकार को तोड़ने मोड़ने की कोशिश है, ईडी सीबीआई के जरिए बार बार रोज समन भेज रहे हैं, कल सपा के अखिलेश यादव जी को भेजा है, तो जनता इस बात को समझती है, बोल कुछ नहीं रही लेकिन जवाब जरूर देगी और ये जवाब आपको देने को मिलेगा। आप अपना जवाब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आपका नंबर कितना है बीजेपी के लिए? मैंने दिया कितना? इस बार 300 इंडिया गठबंधन की आएगी, 300 इंडिया गठबंधन की आएगी, 300 इंडिया गठबंधन की आएगी। देखिए मैं यूपी से शुरुआत करूं तो आप बता ही पाएंगे कि यूपी में इंडिया गठबंधन की कितनी आएगी? कल एक ओपिनियन पोल हुआ है जिसमें इंडिया गठबंधन की एक या दो सीट यूपी में आती गई है, एक या दो सीट। क्या है, क्या औकात क्या तेरा? क्या आपको लगता है कि विपक्ष का हल्ला ज्यादा है और ग्राउंड में काम कम है जैसा पॉलिटिकल पंडित आंक रहे हैं? अमीश भाई अगर सिर्फ विपक्ष का हल्ला होता तो आपने अभी कहा कि दिल्ली के ऊपर बहुत मंथन कर रही है भाजपा, आप बार बार नीचे टिकट चल रहा है कि 3 से 4 सांसद तो पक्के बदले जाने वाले हैं, मैं कह रहा हूँ 7 बदले जाने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इतना घबराहट है इनके मन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने से कि इनको लगता है कि 7 पक्का हार जाएंगे, इनको मालूम है। अब आप ही देखिए ना क्यों बदल रहे हैं इनको। और एक मेरा सवाल और है, जी जी कहते हैं कि भाजपा के एक सवाल है हिमाचल की में पार्टी टूट गई, समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने इधर उधर वोट कर दिया, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो बेचारा लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसकी चोरी हो जाती है, उसी के ऊपर कहा जा रहा है तुम्हारे चोरी क्यों गई? अरे चोर क्यों नहीं पूछते तुम चोरी क्यों कर रहे हो?